नमस्कार, मैं सौरभ डिजिटल भूमि में आपका स्वागत करता हूं। यह जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, यह 29 जुलाई 2021 सायं लगभग 9 से 9:30 बजे के आसपास की है, जिसमें एक तेज रफ्तार सफेद रंग की कार एक साइकिल सवार को मारते हुए निकल गई। मेरा नाम जी जितेंद्र मोरवाल और मैं किला मोहल्ला का निवासी हूँ जी। जिस आदमी की इस सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, मैं वो जीजा जी थे जो कि अपना दिनचर्या का काम निपटा के अपने घर की तरफ जाट कॉलेज और आरसीसी हॉस्पिटल के बीच में ये घटना हुई है, जो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वाले ने उनको उड़ा दिया और इतनी बेरहम निर्दयता से उड़ाया कि वो हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और आज इस परिवार पे एक ऐसा संकट गहरा गया है कि समझो कि इन पे तो आफत के बादल जो होते हैं ना, वो आ गए हैं। भगवान का जैसे कहर टूट पड़ा हो, पर आज इनके पास जो कमाने खाने का जरिया था, आज वो इनसे छीन चुका है। बिल्कुल ही निर्दलीय हालत है इनकी, दयनीय हालत है बिल्कुल। आज समझ नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि एक तो उस गाड़ी वाले को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और कल हम एसपी साहब से भी मिले थे, जिनका रवैया बहुत ही अच्छा लगा हमें, जिस पर एसपी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है और ख़ुद अपने हाथ में चार्ज लिया है भाई, अब मैं खुद देखूंगा इस चार्ज को। और पुलिस का, अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पुलिस का रवैया ठीक लगा हमें, एसपी साहब से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया। हम गोरखपाल राणा जी से भी मिले, उन्होंने भी अच्छा आश्वासन दिया। हमें अब उम्मीद जागी है कि हमारा जल्द ही कुछ ना कुछ हमें अच्छा सा न्याय मिलेगा और जो फैसला है जो हमारे हक में आएगा। और हम चाहते हैं कि इस परिवार को प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि गरीब परिवार है साहब, बहुत मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। घर है वो भी कच्चा है, टूटा हुआ है, खाने का कमाने का जरिया सिर्फ एक ही था, वही जा चुका है इनके पास से। सर का साया इन बच्चियों पे से चल चुका, उठ चुका है। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि जितना हो सके इनकी आर्थिक मदद की जाए। बहन, बड़ी बहन बोल रही हूँ। हम 6 बहनें हैं और मेरा भाई एक ही था परिवार में। 3 इनके बेटियाँ हैं, जो घर परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। इनको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दे, इनके लिए मदद करे, ताकि वो भी बंदा पकड़ा जाए, ताकि कोई समाधान हो सके उसका। आर्थिक मदद हमें मिलनी चाहिए, ताकि इन बेटियों का पालन पोषण हो सके अच्छे ढंग से। अब कोई भी नहीं है, इनका सहारा कोई भी नहीं है परिवार में। घर मकान बिल्कुल कच्चा है, छत से पानी टपक रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है मकान के अंदर। ऐसे में कैसे गुजारा होएगा, कहाँ ये रोड पे पड़े रहेंगे। इनको उठाने वाला भी तो कोई हो, सरकार कुछ तो कुछ मदद करे इनके लिए।